दिल्ली के शाहीन बाग आने से पहले मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे। सिर्फ गए ही नहीं थे, वहां फिर से भारत के आंतरिक मामलों को लेकर अपना मुंह फाड़ाए। पाकिस्तान कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने यह भी कह डाला कि एनपीआर एनआरसी को लेकर देश में पीएम मोदी अमित शाह के बीच मतभेद है। मणिशंकर अय्यर जिस डिबेट में भारत के आंतरिक मामलों पर अपना ज्ञान बांट रहे थे, उसमें इमरान खान के मंत्री भी शामिल थे। देश के बाहर जाकर अनाप शनाप बकने के बाद मणिशंकर अय्यर सीधा शाहीन बाग पहुंच गए और वहां भी पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे डाला। अब बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है, क्या आप लोग पाकिस्तान से मिलकर सीएए के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं? बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने अय्यर के बयान पर सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिलकर सीएए के खिलाफ अल्पसंख्यकों को बहकाकर देश में 1947 जैसे हालात पैदा करना चाहती है। कर्नाटक बीजेपी की नेता शोभा करदलाजे भी मणिशंकर के पाकिस्तान जाकर भारत के आंतरिक मामलों की चर्चा करने पर कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। अब कांग्रेस जवाब देने के बजाय बगलें झांक रही है। अब पाकिस्तान में एक डिबेट के दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी और शाह दोनों ही भारत में हिंदुत्व का चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में एनपीआर को एनआरसी लाने के रास्ते के रूप में देखा जा रहा है। संसद में गृह मंत्री ने कहा और लिखित आश्वस्त भी किया कि ये एनआरसी के पहले का कदम है। अय्यर ने दावा किया कि इस मुद्दे को लेकर दो लोगों में दरार है जो देश में हिंदुत्व का चेहरा हैं। मुझे लगता है कि हमने कई चीजें होती देखी जो लोग पसंद करते हैं, उन्हें लगेगा कि ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय रूप से सही नहीं हैं और मेरे ख्याल से मोदी इसे आसानी से जारी रखेंगे। पीएम मोदी के लिए चाय वाला और नीच शब्द का इस्तेमाल करके मणिशंकर अय्यर पहले भी विवादों में आ चुके हैं।